तो दोस्तों स्वागत है आपका Day 21 ऑफ आर डेली PYQ रिसर्च प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं 150 डेज हार्ड चैलेंज, जिसमें हम PYQ रिसर्च करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि UPSC हर साल कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं CSE में जो कि PYQ पे बिल्ड किए होते हैं, या फिर वही कॉन्सेप्ट डायरेक्टली वहां पे रिपीट किया होता है। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक दो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी यूपीएससी ने बाकी सारे अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले से बनाए हुए हैं। राइट, ये CDS के क्वेश्चन है, CDS 1 2023, और काफी अच्छे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखिए, ये छोटी वीडियो रहने वाली है। राइट, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन जैसी है जो इन्फ्लेशन कॉज कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है। इन्फ्लेशन को समझ लो तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी के इवन सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम में इन्फ्लेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमें मालूम है कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन बेसिकली रूपी या फिर आपकी करेंसी की वैल्यू गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू के कंपैरिजन में गिर जाए। इट मींस 10 रुपए का बिस्कुट अगर अब आपको 15 में खरीदना पड़ जाए और बिस्कुट की वैल्यू वही रहे लेकिन रूपी की वैल्यू गिर जाए, दैट इज योर इन्फ्लेशन। अब ये कैसे होगा? सिंपल बात है, डिमांड सप्लाई का अगर आप मैकेनिज्म समझेंगे, किसी चीज की सप्लाई अगर कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस चीज की जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? किसी चीज की सप्लाई अगर कम है, डिमांड उसकी ज्यादा है, तो उसके प्राइस राइज हो जाएंगे, समझ रहे हो? लेकिन अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस कम हो जाएंगे। यहाँ पे प्राइस किसके कम हो रहे हैं इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में? आपकी वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे कम हो रही है। राइट, तो मनी की वैल्यू कब डिक्रीज होगी? इन सिंपल टर्म्स मनी की वैल्यू तब डिक्रीज होगी जब मनी एक्सेस में अवेलेबल होगा। राइट, सो देखो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। इन्फ्लेशन कब होगा? जब रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग द सप्लाई, जब गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई उनकी कम होगी, नो डाउट उस वक्त आपकी गुड्स महंगी हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन के लिए ये सारी चीजें हैं, बाकी ये ऑप्शंस बिल्कुल एकदम रद्दी ऑप्शंस थे। सिंपल बात है, किसी चीज की डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई उसकी कम है, तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। राइट, दिस इज योर इन्फ्लेशन। राइट, सो दिस इज द आंसर। ये बाकी सारी चीजें, अगेन बहुत सारे लोगों ने हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को इसमें मार्क किया होगा, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म में काउंटर किया जाता है। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट वर्क्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन हैपेंस। क्लासिक क्वेश्चन ये है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं कहूंगा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमी के जो टीचर्स हैं उनके भी अकॉर्डिंग टू मी इसमें गलत आंसर्स आए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही ये एक क्लासिक क्वेश्चन है, एक ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने 2021 के प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि इनमें से किस तरीके की गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है जो कि जो आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। समझ रहे हो? स्लाइडिंग ऑफ रूपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसीज आपके कारगर साबित होगी। ऐसे ही इन्होंने प्रीलिम्स में 2021 में क्वेश्चन पूछा, सेम टाइप का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से ऐसे केसेस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली। इनमें से कौन सी वो पॉलिसी होगी जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली रेज होंगे और उसके बाद आपके जो है एप्रिशिएशन होगा करेंसी में। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा किसी इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि महंगे लोन कौन लेगा? अगर लोन ही नहीं लेंगे तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड नहीं बढ़ेगी। राइट, और मनी सप्लाई भी मार्केट में कम हो जाएगी, इट मीन्स रूपी की मार्केट में सप्लाई कम हो जाने की वजह से उसका एप्रिसिएशन हो जाता है। समझ रहे हो बात को? और बाद में यही एप्रिसिएशन आपके एक्सपोर्ट्स को भी हार्म करेगा। राइट, तो ये एक बड़ा साइकिल चलता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये एप्रिसिएशन किन चीजों की वजह से कॉज होगी। इन सिंपल टर्म देखो, अगर आप एक बात को पहले समझो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मीन्स कि सरकार ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कि इंटरेस्ट रेट कम है और RBI इजीली लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंकों को। मॉनेटरी पॉलिसी RBI डील करेगा, फिस्कल पॉलिसी सरकार गवर्नमेंट डील करेगी। इट मीन्स बजट जितना बढ़ेगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हम उस कंडीशन को कहेंगे।
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी चीज होगी? जब आपके बजट में कटौती की जाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी चीज होगी? जब आपके, ठीक है, जब आपके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे। अब बहुत सारे लोग इसका आंसर, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिनेटली इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है आपका सीआरआर बढ़ रहा है, आपका एसएलआर बढ़ रहा है, बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम है, राइट? दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। डेफिनेटली यहां तक का पार्ट सही है। एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए जो लोग इस आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि भैया अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी कि अपने बजट को अगर बढ़ाएगी तो उनका गवर्नमेंट का जो है, ठीक है, जो उनका फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की वजह से वो बैंकों के पास जाएंगे और बैंकों से लोन लेंगे। बैंक, इसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा। और इस क्राउडिंग आउट इफेक्ट होने की वजह से देखो, बैंकों के पास अगर सरकार जाएगी लोन लेने के लिए तो उनके पास लोन की डिमांड बढ़ेगी और इसकी वजह से भी बैंक अपने जो है इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगी। ये आर्गुमेंट उनका वन है, आर्गुमेंट वन, जो कि इंटरेस्ट रेट के हाइक को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन अनएम्बिगुअसली क्या इससे रुपी का एप्रिसिएशन होगा? नो, बिकॉज गुरु जो नेट मनी सप्लाई है, जो नेट मनी सप्लाई है वो नेट मनी सप्लाई सेम रहेगी, समझ रहे हो? तो वो उन लोगों का जो आर्गुमेंट है, नेट मनी सप्लाई भाई सेम रहेगी। जो बैंकों को पहले जो लोन किसी, ठीक है, किसी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को देना था, वही लोन अब वो गवर्नमेंट को दे रही है और गवर्नमेंट उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से ऑल्दो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम मनी सप्लाई मार्केट में वो भी सेम रहेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बट मनी सप्लाई सेम रहेगी, मनी सप्लाई कम होनी चाहिए, समझ रहे हो? मनी सप्लाई कम होनी चाहिए, नेट मनी सप्लाई कम होनी चाहिए। वो कैसे होगी? फिस्कल पॉलिसी भी कॉन्ट्रैक्शनरी रखो कि भैया सरकार इन्वेस्ट कम करे, इसकी वजह से जो है, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होने की वजह से इन्फ्लेशन कम होगा मार्केट में। अगर मनी सप्लाई कम होगी तो भाई इन्फ्लेशन कम होगा मार्केट में। यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट? और ये जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ एप्रिसिएशन होना चाहिए, बट भैया इस ऑप्शन डी से तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि सरकार ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में, समझ रहे हो बात को, है ना? फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से भी तो इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन से तो डेप्रिसिएशन होगा करेंसी का, एप्रिसिएशन नहीं होगा। सो दिस शुड नॉट बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। ये मैंने उस वक्त भी बोला था और आज भी मैं इसी अपने ऑप्शन पे स्टैंड बाय, ठीक है, इसी ऑप्शन पे अभी भी खड़ा रहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही, कि आंसर शुड बी बी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और उसकी वजह से इन्फ्लेशन घटेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा और उसकी वजह से फर्दर आपके जो रूपी में है उसमें एप्रिसिएशन आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इसे और ज्यादा, एक तरीके से, ठीक है, और ज्यादा पुश देगी और रूपी का एप्रिसिएशन और ज्यादा होगा। सो आंसर बी शुड बी द आंसर। अब इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने पीयूआईक्यू में कैसे, देखो, पूछा हुआ है, 2019 का ये क्वेश्चन था कि आरबीआई या गवर्नमेंट इनमें से कौन से ऐसे मेजर लेगा जो कि स्लाइडिंग ऑफ रूपी को रोकने के लिए होगा? नहीं लेगा, ठीक है, इनमें से कौन सा मेजर मोस्ट लाइकली नहीं लेगा? तो डेफिनेटली डी शुड बी द आंसर कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई फॉलो करेगा तो भैया रूपी, इनफैक्ट वही चीज यहाँ पूछ रहे हैं वो, देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, वही चीज यहाँ पूछ रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी कि भैया इनमें से कौन सा ऐसा ऐसा ऑप्शन है जो कि वो, ठीक है, डेप्रिसिएशन रोकने के लिए नहीं चूज करेंगे। सो दिस शुड बी द आंसर क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और रूपी की डेप्रिसिएशन होगी, समझ रहे हो बात को? सो ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दिस इज हाउ दे रिपीट द आंसर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये देखो 2021 का सीएससी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, वही चीज, करेंसी मैनिपुलेशन, करेंसी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन, उसी पे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। इससे क्या होगा? नेसेसरली, यहाँ भी वही चीज अनएम्बिगुअसली ऊपर पूछा हुआ है, यहाँ भी वही चीज कि नेसेसरली इनमें से क्या होगा। देखो ऑप्शन थ्री पढ़ते हैं कि भैया इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। एक्चुअल में ऑप्शन वन इज करेक्ट। हाउ?
अगर आपकी करेंसी डीवैल्यूएट होती है, फॉर एग्जांपल अगर अभी 1 डॉलर में यूएस में बैठा कोई आदमी 100 रुपए की गुड्स खरीद पाता है और आपने करेंसी को डीवैल्यू अब कर दिया, समझ रहे हो, डीवैल्यू का मतलब आपकी रूपी अब आपने सस्ती कर दी, तो वही यूएसए में बैठा हुआ आदमी 1 डॉलर से अब 120 रुपए की गुड्स खरीद पाएगा क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, समझ रहे हो। सो इट डज नॉट इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रादर इट डिक्रीजेस। ऑप्शन टू तो बिल्कुल एकदम अनएम्बिगुअसली रॉन्ग है, समझ रहे हो। ऑप्शन वन इज करेक्ट, अब वो उसी 1 डॉलर से 120 रुपए के इंडियन इंपोर्ट्स कर पा रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इंडिया से यूएसए के लिए। ऑप्शन वन इज करेक्ट, बट क्या इससे नेसेसरली ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा? नेसेसरली नो। व्हाई? इट डिपेंड्स कि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं या इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यही चीज यूएसए को हटा करके, जहां हमारे नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे यूएई लिख दूं, तो यूएई से तो हम ऑयल का इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे लिए ये घाटे में जाएगी बात, क्योंकि पहले हम यूएई का लगभग 20, समझ रहे हो, लगभग 20 बिलियन डॉलर को पे करने के लिए हम, ठीक है, 8 दूनी 16, 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास पे करते थे। अब जब हमने करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू कर दी, वही 20 बिलियन डॉलर को पे करने के लिए अब हमें 2 लाख करोड़ के आसपास पे करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये ट्रेड बैलेंस हमारा डिपेंड करता है कि नेट एक्सपोर्ट्स हैं या फिर नेट इंपोर्ट्स हैं। दिस इज हाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 3 ओनली शुड बी द आंसर। और इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये बिल्कुल एकदम ठीक है, सीधा क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस डेफिसिट स्पेंडिंग? डेफिसिट स्पेंडिंग इज जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता है, इनकी इनकम कम हुई गवर्नमेंट की, लेकिन इनकी जो आउटगोइंग है या फिर जो इनका एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, उससे आपकी फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होता है, समझ लो। अब इसी फिस्कल डेफिसिट को अगर आपको पूरा करना है, भरना है, तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? मार्केट में बॉन्ड इशू करेगी और मार्केट से ये कर्जा लेगी। जब सरकार कर्जा लेगी तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, क्योंकि भैया अब जो है बैंकों के पास या फिर कर्जदाताओं के पास ज्यादा ऑप्शन है कर्जा देने के, सरकार खुद आई है कर्जा लेने, समझ रहे हो। और वही कर्जा जो पहले प्राइवेट इन्वेस्टर ने लेना था, अब वो सरकार ले रही है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली ऑप्शन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट इनका बढ़ जाएगा, अब ये कम लोन लेंगे और उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, ये लोन ही कम लेंगे बैंक से, इन्वेस्ट क्या करेंगे कंपनी में, समझ रहे हो। इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग इन इज जब भैया सरकार की पॉलिसीज कुछ ऐसी हो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, प्रमोट किया जाए, ये क्राउड आउट ना हो बल्कि प्रमोट किया जाए, दैट इज योर क्राउडिंग इन, तो क्राउडिंग आउट इज आंसर। ये पंप प्राइमिंग यहाँ पे बेसिकली क्या है? पंप प्राइमिंग इज कि जब सरकार एडिशनल मनी या फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपने खर्चे से, अपनी ट्रेजरी से पैसा निकाल करके, ठीक है, जो जो इकोनॉमिक साइकिल को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एडिशनल मनी खर्च करता है, दैट इज पंप प्राइमिंग की प्रैक्टिस, क्वेश्चन बन सकता है। एक और होता है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या मनी होता है? एक तरीके से आप समझो कि इकोनॉमी में हेलीकॉप्टर से पैसा नीचे फेंका जा रहा है, ऐसे इमेजिन करो। कैसे? ये पहले चलता था, लगभग 2003 तक का मामला है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के पास जाती थी नोट छपवाने सीधे, कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बन गया है, आरबीआई के पास ये जाएंगे, बोलेंगे नोट छापो, और उन नोट छाप, है ना, उस नई प्रिंटेड करेंसी को ये इकोनॉमी में जो है रिलीज कर देते थे, इंजेक्ट कर देते थे। उस इंजेक्शन की उस प्रोसेस को कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, कि आपने नया इंजेक्टेड मनी उसमें, ठीक है, इकोनॉमी में नया मनी इंजेक्ट कर दिया। अब इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता था क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, समझ रहे हो, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑब्वियसली होगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने कुछ एक ऑप्शंस पे यहाँ देखे। ये 23rd क्वेश्चन ये डिस्कस करने लायक क्वेश्चन नहीं है, हालांकि ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, और हो सकता है कि आप इसे रॉन्ग भी मार्क कर दो। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या ऑब्जेक्टिव सही है नीति आयोग के बारे में। इम्पोजिंग द पॉलिसीज ऑन द स्टेट्स एंड यूटी, सीधा इस एक्सट्रीम वर्ड को सीधा एलिमिनेट कर दो। इम्पोजिंग माने कि आप क्या सेंटर से स्टेट की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करके उनपे कोई पॉलिसी इम्पोज कर रहे हैं? नो। नीति आयोग का तो एकदम ठीक है, जो इनका बेसिक
प्रिंसिपल है वही है बॉटम अप अप्रोच कि भैया ये स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, स्टेट को इंटीग्रेट कर रहे हैं नेशनल लेवल प्लानिंग में, तो इम्पोजिशन की तो बात आती ही नहीं है, इसे हटा दो। एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल, भाई नीति आयोग किसी भी तरीके के फंड से डील नहीं करता है, वो आपका योजना आयोग था। योजना आयोग 5 ईयर प्लान के लिए फंड एलोकेशन का क्राइटेरिया डिटरमाइन करता था। नीति आयोग ऐसी किसी भी चीज से रिलेट नहीं करता है। नीति आयोग इज बेसिकली अ थिंक टैंक डिजाइनिंग द स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच फ्रेम्स वर्क। और कुछ एक प्रोग्राम्स को नीति आयोग जो है, फॉर एग्जाम्पल आपके ठीक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वगैरह हो गए, उन प्रोग्राम्स को ये एक तरीके से ठीक है नोडल बॉडी भी है उनको देखने के लिए। तो दिस इज अबाउट नीति आयोग। इस तरीके के ये स्ट्रेंज ऑप्शंस या ऐसे कहीं एलिमिनेशन बेस्ड ऑप्शंस आपको जरूर देता है जो आपको एलिमिनेशन एलिमिनेट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी की क्लास से अगेन आया हुआ था, ठीक है, कि इनमें से कौन सी पॉवर्टी एस्टिमेशन की कमेटी है जिन्होंने मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन से ठीक है इस बेस्ड एक्सपेंडिचर से मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को रिकमेंड किया। समझ रहो कि भैया इन्होंने कंजम्पशन बेस्ड ठीक है कंजम्पशन बेस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन के प्रिंसिपल से जो ठीक है जो इनकम बेस्ड ठीक है इनकम बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन है उस पे ज्यादा फोकस किया। कौन सी ऐसी वो आपकी जो कमेटी है? तो आंसर है तेंदुलकर कमेटी। एक्चुअल में इसमें ठीक है कुछ एक कमेटीज आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। एक इससे पहले अलग कमेटी थी, ये भी किस चीज से रिलेटेड है अगर पूछे तो पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। लगभग 1969 या फिर 69 के आसपास ये अलग कमेटी आपकी बनी थी, बहुत पुरानी कमेटी है। और इसने भी कैलोरी इंटेक के बेसिस पे जस्ट लाइक लकड़ा वाला कमेटी जो कि आपके आई थिंक 1990s में बनी है, आपको डेट याद नहीं रखनी है, लेकिन ये दो कमेटी अलग कमेटी लकड़ा वाला कमेटी ये कैलोरी बेस्ड ठीक है कैलोरी बेस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, राइट कि ओके कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेस्ड ऑन मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रेफरेंट ठीक है यस यस। तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये मैंने मिसरीड कर दिया लेकिन आंसर यही है इसका, तेंदुलकर कमेटी है राइट कि भैया मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर ठीक है एक्सपेंडिचर बेस्ड जो ठीक है कैलोरी बेस्ड, पहले आपकी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो कैलोरी बेस्ड होती थी, उस कैलोरी बेस्ड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड को छोड़ के कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर का प्रिंसिपल किसने अडॉप्ट करवाया, दैट इज तेंदुलकर कमेटी राइट। अलग कमेटी लकड़ा वाला कमेटी दोनों कहते थे कि पॉवर्टी किस बेसिस पे आप मेजर करो, पॉवर्टी शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब कितनी कैलोरी इन्होंने रिकमेंड करी थी वो हमने याद नहीं रखनी है, लेकिन बोथ ऑफ दीज कमिटीज दे रिकमेंडेड कैलोरी बेस्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन यस तो दिस इज अलग कमेटी, लेकिन तेंदुलकर कमेटी एक ऐसी कमेटी थी, तेंदुलकर कमेटी एंड रंगाराजन कमेटी, जो कहते हैं कि नो हमें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ठीक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, क्योंकि सिर्फ कैलोरी के बेसिस से आप ये डिटरमाइन नहीं करेंगे कि वो गरीब है या अमीर है ना, खाना आपको मिल सकता है कैलोरी आपको अच्छी मिल सकती है लेकिन हो सकता है कपड़े ना हो राइट समझ रहे हो। तो इन सब चीजों को इंक्लूड करने के लिए रोटी कपड़ा मकान सब चीजों को इंक्लूसिव एक तरीके से फ्रेमवर्क देने के लिए तेंदुलकर कमेटी ने सबसे पहले एक्सपेंडिचर ठीक है कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर का प्रिंसिपल सुझाया। तेंदुलकर और रंगाराजन कमेटी के जो प्रिंसिपल्स हैं ठीक है उनका जो एक तरीके से मेजरमेंट का क्राइटेरिया है वो बस इस वैल्यू पे डिफर करता है। इनके अकॉर्डिंग तेंदुलकर पैनल के अकॉर्डिंग 816 रुपए रूरल एरिया में अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो कंजम्पशन के लिए, जिसमें आपके ना सिर्फ रोटी ठीक है दाना पानी का कंजम्पशन बल्कि बाकी सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन एटसेट्रा हाउसिंग वगैरह का कंजम्पशन राइट ये सब कंजम्पशन रूरल एरिया में अगर आप महीने में इतना स्पेंड कर रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो, अर्बन एरिया में 1,000 ठीक है। रंगाराजन पैनल ने इसी को बढ़ाया फिर ठीक है 2011-12 में कि अकॉर्डिंग टू दिस पैनल उन 972 रुपए अगर रूरल एरिया में आप स्पेंड कर रहे हो और 1,407 रुपए अगर अर्बन एरिया में, तो ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंग जो लोग कैलकुलेट होंगे टोटल पॉवर्टी जो कैलकुलेट होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि इनकी पॉवर्टी लाइन ऊपर है तो ज्यादा लोग यहाँ पे कवर हो रहे हैं। दिस इज अबाउट योर ठीक है टूडेज डे 21 ऑफ डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। आई होप ये सेशन आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे, अगर कर पा रहे हैं तो जरूर अपने फ्रेंड्स को रेफर कीजिए ठीक है। और जो
कमेंट सेक्शन है, उसमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको वो आंसर करने हैं, राइट। आई थिंक मैंने आज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं शेयर करते रहता हूँ। आप मेरे फ्री लाइव लेक्चर्स भी अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।